यासर भट्ट साहब जो कौंसल जनरल हैं हमारे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो तशरीफ़ लाए। चौधरी जवेद गुजर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, एहसन खोकर साहब, साकिब अज़र फरीद साहब को, हैदर अली बाबा जी सबसे पहले तशरीफ़ लाए, अली डोगर साहब का शुक्रिया, तसीम साहब का शुक्रिया, वहीद साहब का शुक्रिया, राना साहब का शुक्रिया, और जावेद विरक साहब का, तारिक रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फर्दन फर्दन करूँगा। तो आज का मकसद ये था कि चौधरी जावेद गुजर साहब को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फोकल पर्सन नॉमिनेट किया है, ताकि कम्युनिटी के दरमियान और जो पाकिस्तान का जो कौंसल जनरल है और जो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान है, या पाकिस्तान में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उनमें वो एक पुल का किरदार अदा करें, कि ताकि जारी बात है बहुत सारे लोगों के एक हेजिटेशन होती है हमारी कौम की, एक मिजाज है कि वो एम्बेसी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते या नहीं जाते। तो इनका चौधरी साहब का एक 24/7 माशाल्लाह उनका एक वैसे भी एक अवामी शख्सियत है ये, उसके अलावा भी कि मतलब अगर एक तो होता है कि बंदा थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक टाइप का होता है, कि उसे दूर या जॉब करने वाला बंदा नहीं होता, तो माशाल्लाह चौधरी साहब बहुत एक्टिव हैं कम्युनिटी में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस तरह से तरतीब दिया जाए प्रोग्राम, ताकि एक ब्रिज का किरदार अदा करे कोई मसले मसाइल। वैसे तो माशाल्लाह हमारी जो है कौंसल जनरल बहुत एफिशिएंट है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, नादरा का, पासपोर्ट का, नाइकॉप वगैरह बनाना कोई नहीं होता, वीज़ा वगैरह का भी ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, हिकअप होते हैं, लोग नहीं अप्रोच करते। तो उसके लिए चौधरी साहब को नामिनेट किया। इस खुशी में हमने चौधरी साहब को के एजाज़ में ये एक पार्टी रखी है। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बहुत सारी बातें नहीं होंगी, चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ इस बारे में अपने